हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर लर्न में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोगों के एग्जाम कब होंगे और कुछ कोर्सेज का रिजल्ट नहीं आया है, उन कोर्सेज का रिजल्ट कब आएंगे। इससे पहले कि दोस्तों, जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको रमलू यूनिवर्सिटी के आने वाले पल पल की अपडेट न्यूज मिलती रहेगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपडेट न्यूज जो है, वे नेक्स्ट 7 अक्टूबर 2020 7:12 यानी कि 7 अक्टूबर को रात को 7 बजे आया था ये न्यूज। आज हम इसी न्यूज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है, अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में संचालित पीजी पाठ्यक्रमों के काउंसिलिंग के दूसरे दिन बुधवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने निरीक्षण किया। मुआयने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भवन में स्थित पीडीपी में चल रही काउंसिलिंग का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कुलपति ने अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जानकारी प्राप्त ली। कोविड-19 के सुरक्षात्मक उपायों के साथ अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थियों के ऑनलाइन फीस सबमिशन की जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के समय कुलपति प्रोफेसर सिंह ने आवासीय फ्रेशर समन्वयक प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव को काउंसिलिंग प्रक्रिया को सुरक्षित एवं शारीरिक दूरी बनाते हुए पूर्ण कराने का निर्देश लिया। प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को एमए सिंधी, एमएससी जियोग्राफी, एमएससी जियोलॉजी, बैचलर एवं मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, मास्टर ऑफ सोशल वर्क विषय के अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, जिसमें अलग अलग पाठ्यक्रमों में 35 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन शुल्क जमा कर प्रवेश प्राप्त कर लिया है। जो अभ्यर्थी आज प्रवेश शुल्क जमा नहीं कर पाए हैं, विभाग में प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 9 अक्टूबर को मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स पेंटिंग, यमी योगा थेरेपी, योगा एंड ऑप्शनल थेरेपी, फैशन डिजाइनिंग केवल महिलाओं हेतु, एमए जन संचार एवं पत्रकारिता विषय की अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होगी। निरीक्षण के समय विश्वविद्यालय कुल सचिव उमानाथ, मुख्य नियंता प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, डॉक्टर डीएन वर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार, ईडीपी प्रभारी रवि मालवीय उपस्थित रहे। आज की काउंसलिंग में डॉक्टर शशि सिंह, डॉक्टर नीरज सिंह और डॉक्टर आलोक मिश्रा, डॉक्टर दिनेश सिंह, डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव, डॉक्टर कपिल देव, डॉक्टर शिव कुमार, विवेक कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अयोध्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने बुधवार को निरीक्षण मूल्यांकन कार्यों का जायजा लिया। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित केंद्रीय मूल्यांकन भवन में तृतीय वर्ष एमए, एमएससी, एमकॉम परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो रहा है। ये लाइन यहाँ पे आपको बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं प्रोफेसर रविशंकर सिंह, उन्होंने बुधवार को मूल्यांकन का निरीक्षण किया। वहाँ से उन्हें पता चला कि आप लोगों की जो कॉपी है तृतीय वर्ष के एमए, एमएससी, एमकॉम की, उन सभी की उत्तर पुस्तिकाएं का जो है मूल्यांकन चल रहा है। बुधवार को कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह ने निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की। मुख्य द्वार पर सभी परीक्षकों की थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजिंग एवं मास्क लगाना अनिवार्य किया गया। मूल्यांकन कार्यों में लगे परीक्षकों को शारीरिक दूरी के साथ आरोग्य सेतु एवं आयुष क्वच ऐप अपने मोबाइल डाउनलोड करने को निर्देश प्रदान किया गया। परीक्षा नियंत्रक उमानाथ ने बताया कि 19 सितंबर से विश्वविद्यालय में मूल्यांकन कार्य हो रहा है। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जा रही है। विश्वविद्यालय के मुख्य नियंता प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह ने कुलपति जी को मूल्यांकन व्यवस्था में लगाए सुरक्षा व्यवस्था से अवगत कराया। तो यहाँ पे आप लोगों का जो कॉपियां हैं वो 19 सितंबर से ही विश्वविद्यालय में मूल्यांकन का कार्य चल रहा है, तो अब तक तो वहाँ पे सारे कॉपी चेक हो चुके होंगे। कुछ कॉपियां बची हुई है, वो भी 1-2 दिन में कॉपियां सारी चेक हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट भी जल्द ही आ जाएंगे। आप लोगों की जो कॉपियों का मूल्यांकन हो रहा है वो सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में की जा रही है, तो आप लोगों की कॉपियां चेक हो चुकी है। लगभग कुछ दिनों में आप लोगों के रिजल्ट भी घोषित कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के रमलू यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिस आए वो आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।